बहुत शुक्रिया। और हजरात गिरामी, अब हम अपनी इस निशस्त के बामे उरूज पर पहुंच चुके हैं, जहां उस्ताद मोहतरम से यानी कि सदर जलसा से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। ये इस गुजारिश के साथ कि दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर हुआ, दारा और सिकंदर से वो मर्द फकीर हुआ, वो जिसकी मोहतरम साकिनान शहर और यहाँ बाईस पर तशरीफ का मेहमान आने खुशी, और आप तमाम जो मेरी नज़रों के सामने हैं, खवातीन बहादरा, सबसे पहली दरियाफ्त जो आज की इस निशस्त में हुई वो फरमाई वो ये हुई कि एक मुहक्किक अफसाना निगार शायर मुतरजिम यानी एक बहुत बड़ी अदबी शख्सियत ने चोला अचानक बदल दिया और उसने मजाहिया तो अब तक जितनी असराफ पर कुदरत थी उसको उस तक दी गई है और मजाक और तंज की तरफ उसे ले जाया गया। अभी क्योंकि पहली कोशिश है हम लोग इसे तो खैर मकदम ही के लफ से याद करें, चलो भाई एक नई चीज़ आ गई, लेकिन एक संजीदा शायर जब गैर संजीदा होता है तो क्या क्या गुल मिलते इसका अंदेशा, इसलिए अभी मैं कुछ और नहीं कहूँगा। इस तकरीर के लिए अलबत् मुबारकबाद दूंगा कि चलिए साहब कम से कम इस ठंड में भी थोड़ी सी गर्मी तो पैदा हुई लोगों में, एहसास हुआ। और दूसरी जो चीज़ आई थी वो भी तंज मज़ाक की थी, नासर में थी, और वो हमारे हावड़ा हाई नहीं बल्कि हायर सेकेंडरी स्कूल के हेड मास्टर जनाब आमदाब, तो बिस्मिल्लाह उनकी यहाँ बाकायदगी के साथ राइटर एसोसिएशन की इस मजलिस में हुई, अल्लाह करे दौरे कलम और ज़्यादा, बहुत खुशी की बात है। यहाँ हम लोग देखिए हजरा तो दो तीन मिनट लूँगा, हालांकि ठंड बहुत लग रही है, खुद मुझे तो मुझे महसूस कर रहा हूँ कि दूसरों को भी ठंड लग रही है। समंदर का किनारा है, बहुत अच्छा माहौल है, समंदर का किनारा है, पीसफुल बिल्कुल जगह है, कुछ सुकून, और यहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ के अहबाब ने किया है कि शुक्र के अल्फाज शुक्रिया का अल्फाज बहुत बेमानी से रखते हैं, शुक्रिया करते उसने अल्लाह इन लोगों को इसी तरह के काम करने की और तौफीक अता फरमाए, और बाहर से जो लोग आए उनके लिए इस तरह की मजलिस से आरास्ता हो सके। अदब का काम इसी तरह आगे बढ़ता है, इल्मो अदब के लिए ये बेहद ज़रूरी है, तो मैं शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं अपनी मोहब्बतें और दुआएँ देने जा रहा हूँ। अल्लाह इन लोगों को सेहतमंद रखे, खुश रखे, और जी इस तरह के काम और लोग करते रहे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेकर तो आया था बहुत कुछ, लेकिन वे मौका होगा इसलिए वो सब तो मैं नहीं पढ़ूँगा, सिर्फ एक गज़ल एक तो मुझे भाई ये कहते हुए
यही एक इंक्वायरी मेरे साथ होती है कि मैं अरे 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 बाबा गजल के चंद शेर मुलाजा फरमाइए जी तो चाहता था कि नज्म पेश करूं लेकिन वक्त ज्यादा हो गया और ठंड ज्यादा बढ़ गई इसलिए मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। मिलना है जब तो खुल के मिले और कुछ कहे, मिलना है जब तो खुल के मिले और कुछ कहे, अहबाब आज चुप न रहे और कुछ कहे, अहबाब आज चुप न रहे कुछ कहे, बेरहमी जमाना की जद में है जिंदगी, बेरहमी जमाना की जद में है जिंदगी, महसूस काश कुछ वो करे और कुछ कहे, बेरहमी जमाना की जद में है जिंदगी, महसूस काश कुछ वो करे और कुछ कहे, रहते हैं ऐसी धुन में के रुकते नहीं कभी, रहते हैं ऐसी धुन में के रुकते नहीं कभी, रहते हैं ऐसी धुन में के रुकते नहीं कभी, याद आए उनको हम तो रुके और कुछ कहे, याद आए उनको हम तो रुके और कुछ कहे, दुनिया कमा रहे हैं भोजपुरी वाले ही जो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, दुनिया दुनिया कमा रहे हैं मगर घर से दूर है, दुनिया कमा रहे हैं दूर है, लौटे अरब से वो तो मिले और कुछ कहे, लौटे अरब से वो तो मिले और कुछ कहे, माना कि हर तरफ है बहुत बेताल्लुकी, माना कि हर तरफ है बहुत बेताल्लुकी, महफूज आप इससे रहे और कुछ कहे, माना कि हर तरफ है बहुत बेताल्लुकी, महफूज आप इससे रहे और कुछ कहे, और ये आखिरी शेर दिया है, सफाक वक्त मुंह पे धरे हाथ, सफाक वक्त मुंह पे धरे हाथ, जब तो आप उसको झटक के दूर करें और कुछ कहें, वाह 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 वाह, सफाक वक्त मुंह पे धरे हाथ, फिर तो जब तो आप उसको झटक के दूर करें और कुछ कहें, और मख्तार किया है, शुक्रिया भाई, कैसर उन्हें तो वक्त ही मिलता नहीं क्यों, कैसर उन्हें तो वक्त ही मिलता नहीं के वो तुमसे मिले तुम्हारी सुने और कुछ कहें, वाह 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 वाह, सुभानअल्लाह, कैसे उन्हें तो वक्त ही मिलता नहीं कि वो तुमसे मिले तुम्हारी सुने और कुछ कहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का शुक्रिया। देखिए हजरात, ये राइटर एसोसिएशन जो हावड़े में जो अदबी इदारा है ये 53 साल का इदारा है, 1-2 साल का नहीं, और इस इदारे की तरफ से हर साल इस तरह का एक प्रोग्राम होता है कि लोग बाहर निकलते हैं सियाहती अगर सियाहत की सियाहत होती और साथ साथ अरबी तकरीबात भी हो जाती है, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ हुई और वो भी आप लोगों के ताउन से ऐसी कड़ी हुई कि याद रखी जाएगी, जैसे अब मालूम हुआ कि साहब एक अंग्रेजी अखबार के यहाँ सहाफ़ी जो मुदीर बैठे हुए तशरीफ़ लाए हैं और वो इसको कवर करेंगे अपने अखबार में, मैं पेश भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है, इस तरह से हमारा अच्छा हमारी ये जो
تنظیم ہے، یہ جو ادارہ ہے، یہ ایک زبان کا ادارہ، صرف اردو والوں کا ادارہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر بھاشی ادارہ ہے، اردو، ہندی اور بنگلہ، اور آج اس میں کوریا بھی جڑ گئی۔ حضرات، حضرت کی تقریر کے بعد آج اس نشست کو لوگ ملتوی کرنا چاہتے ہیں، تقریر کا اعلان نہیں، لیکن اس سے پہلے میں حد سے زیادہ نہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے عظیم بالشری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے کہ ان کے ساتھ جو لوگ، خاص کر عنایت علی صاحب کا، جنہوں نے یہ اتنا انتظام کیا، بلکہ اس میں جو یہ سارا سامان وغیرہ آیا ہے تو ان کے یہ ایئر وغیرہ کا انہوں نے خود انتظام کر دیا، اس کے لیے بھی میں ہوں اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور عظیم بالشری صاحب تک پہنچا، اس لیے کہ مجھے یا ہم لوگوں کو امید نہیں تھی، پرسوں کی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ تشریف لا رہے ہیں، میں اسٹیشن پر آ جاؤں گا، آپ کو تشریف لیں، یہاں آپ کوئی کمی نہیں، ان شاء اللہ آپ کو سنگت پروگرام کریں گے۔ اس کے بعد جب میں آیا تو حضرت حاضر تھے وہاں اسٹیشن پر، اور انہوں نے جس طریقے سے ہم لوگوں کا استقبال کیا، تین گاڑیاں بھی کھڑی تھیں وہاں، بہت سلیقے سے، بہت شاندار طریقے سے ہم لوگ ہوٹل میں آئے، بہت ہی اطمینان کے ساتھ ہم ہوٹل میں آئے اور یہاں ٹھہرے، اور یہ پروگرام جس کا ہم لوگ متمنی رہتے ہیں کہ ہمارا دونوں پروگرام، سیاحتی پروگرام ہم سیر بھی کریں اور ہمارا ادبی پروگرام بھی انجام پائے، اور یہ ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام کرتے اکثر کامیاب، یہ سب سے زیادہ کامیاب پروگرام کیا، اور اس کے لیے ہم آپ تمام ہی حضرات کا خط کرنی ہے، جو جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب کا ہمارا شکر گزار، شکریہ عظیم بھائی کا ایک بار اور شکریہ، اور آپ سب ادھر کھڑے ہو جائیں تاکہ عظیم بھائی کے بھائی کے ایک گروپ ہو جائے، آ جائیے۔